गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो स्वीटी ने बोला है कि मुझे मेरी वीडियो में मत लेना और मैं अभी इसी को लेने वाली। ये देखिए यहाँ पे बैठ के नाटक कर रही है, मेरे को कॉपी कर दी है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तुम मार खाएगी मेरी जुड़ी। ये मुझे ना हंसाने में लगी हुई, मेरे को वीडियो शूट नहीं करने दे रही। तब से मैं 10 बार कैमरा उठा चुकी हूँ हाथ पे, झूठ। और ये ना बार बार हंसा रही है। और अभी हम लोग किचन में आए और हम लोग बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये ना इसको जाना था संडे को, अभी ना हम लोग बाहर मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन ये बोल रही है कि ना मेरे को वापिस जाना है पुणे, तो हम मूवी देखने भी नहीं गए, वो प्लान भी हमारा कैंसिल। और ये देखिए अभी हम लोग किचन में बना रहे हैं गुलाब जामुन। टाइम हो रहा है 3:00, बहुत ही मीठा खाने का मन कर रहा था तो गुलाब जामुन बनाने लग गए। और सेठी यहाँ पे ये गोलियां बना रही है। और बाहर देख रहे हो, बाहर इतनी धूप है ना मैं बता नहीं सकती। यहाँ तो ये जाली लगी हुई है, इससे इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब 2 दिन धूप हुई और गर्मी से। तो ये देखिए स्वीटी ने जो है सारी गोलियां बना ली हैं और अब स्वीटी खाना खाएगी। स्वीटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। ये देखिए ये मैंने बना रखा है अंडा राइस। अंडा राइस ही है ना, एग फ्राइड राइस। हाँ, एग फ्राइड राइस। थोड़ा स्वीटी ने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, बाकी और कुछ नहीं है। और गुलाब जामुन ना हमारे घर में सिर्फ तब बनते हैं जब स्वीटी आती है। हम लोग बनाने वाले थे रक्षाबंधन के दिन, लेकिन उस दिन फिर नहीं बनाए, बाहर से ही स्वीट्स वगैरह लेके आ गए थे, तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया। तो इसलिए मैंने बोला जाने से पहले तेरे को तब जाने दूंगी, यहाँ से पहले गुलाब जामुन बना, क्योंकि ये आटा मेरे से मला नहीं जाता है, मतलब अच्छा बनता ही नहीं है मेरे से। गोलियाँ, आटा मल के गोलियाँ हमेशा, ये काम स्वीटी का है, फ्राई करने का, चासने का काम मेरा है। ये देखिए गाइस फाइनली हमारे गुलाब जामुन बन के कम्प्लीट हो रहे। कुछ मोटे मोटे हैं और कुछ बारीक हैं। जो ये बारीक है ये मैंने जस्ट अभी डाले हैं, और जो मोटे मोटे हैं ये पहले से चासने में फूल गए। चलो गाइस किस किस को गुलाब जामुन खाने फटाफट से कमेंट करो। तो अभी जो है शाम के 6:30 टाइम हो रहा है। आज दिन में इतनी गर्मी हुई कि बाहर अभी बारिश लग गई है, और मैं और स्वीटी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि स्वीटी को पानी पूरी खाना, इसके साथ साथ मुझे भी खाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो अभी जो है 9:30 टाइम हो रहा है। मैं जो है 8 बजे बाहर से आ गई थी, और बाहर थोड़ा बहुत बारिश वाला मौसम भी है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि आप लोग देख सकते हो। मैं जस्ट अभी खाना पीना बना के आई हूँ और पसीने से मैं तर हो चुकी हूँ। तो अभी जो है इतनी रात को मेरे को एक मेहंदी का ऑर्डर आया है, तो मैं अभी मेहंदी लगाने जा रही हूँ। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मेहंदी लगाई। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक हाथ का मेहंदी लगाना है, तो जाती हूँ मैं फटाफट से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने आगे और पीछे हाथ में मेहंदी लगाई थी और पैरों में लगाई थी। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 1:00, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हो मैं आपको दिखाती हूँ। और तैयार हो चुकी हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। और ये स्वीटी है, ये तैयार हो रही है। हम दोनों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने। बच्चे लोग घर में ही रहेंगे अपने दादाजी और चाचू के साथ। और साथ पहले सिर्फ मैं और स्वीटी जा रहे थे, और अभी मेरी दोनों फ्रेंड जा रही हैं। तीसरी फ्रेंड नहीं जा रही है, उसको काम है, लेकिन वर्षा दीदी, गीता, मैं और स्वीटी हम चारों जा रहे हैं। तो आप भी चलिए हम लोगों के साथ। ये रही मेरी फ्रेंड जो तब से तैयार नहीं हुई, लेट लेट कर रही, जल्दी जल्दी निकलो, चलो छाता, हाँ छाता ले लो, बारिश हो रही है बाहर। ये रही सृष्टि। हाय सृष्टि। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दोस्त का वेट आधे घंटे से आधे घंटे से नहीं, 5 मिनट नहीं, आधे घंटे पहले कॉल किया था, तैयार है ना, तब से किया था और अभी तक नहीं आई है। मतलब हम लोगों का ना पहले सिर्फ स्वीटी और मैं आए थे, तो फिर मैंने वर्षा दीदी को बोला कि आप चलोगे मूवी देखने, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। और हम लोग जा रहे हैं ड्रीम गर्ल देखने के लिए, तो बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं। हम लोग जब पिछली बार मूवी देखने गए थे तब भी यही मौसम था, और आज भी हम लोगों ने मूवी का प्लान किया है तो तब भी यही मौसम है, इतने दिन तक बारिश नहीं थी। हम लोग लेट हैं इसकी वजह से, मूवी शुरू हो गई, रही देखो मुस्कुरा रही इधर मंद मंद। तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है मूवी, बच गए ना, छूटा नहीं हमारा कुछ भी। अभी एड स्टार्ट होने वाली है। कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, पानी की बूंदे, बादल भी है। और ये हम मॉल में इधर उधर कपड़े उपड़े देखने लगे, और ये घाघरा मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। वर्षा दीदी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। फिर हम गए मार्केट 99 में, यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा। ये
क्या डपली डपली बजा रही है। अच्छी है ना ट्रे भी, वुडन की है क्या सभी? नाइस, बहुत प्यारी है। ये देखिए लॉलीपॉप, कौन खाएगा इसको? वर्षा दीदी लॉलीपॉप, रोना मत प्लीज, हाँ लॉलीपॉप खाओ। तो हमने कुछ इतना सामान लिया जितना स्वीटी पकड़ के खड़ी है। स्वीटी ने लेते ही डब्बा फाड़ भी दिया है। क्या करवाना है गीता? जाने इधर देखो, ये सारी मच्छियाँ खाएंगी फिर। करवाना है, टाइम लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा। कितनी बड़ी बड़ी मच्छी है ये। तो अभी हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं और मूवी हमने देखी, बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। तुम दोनों को कैसी लगी? अच्छी थी ना। हाँ। ये लोग इतना हंस रहे, गीता सबसे ज़्यादा हंस रही थी। उधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं इसकी वीडियो बना देती थी। स्वीटी तुझे कैसी लगी मूवी? इसका यही रिएक्शन है। मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी और अभी हम लोग यहाँ से घर निकलते हैं। 5:30 टाइम हो गया। और कितने बजे आए थे? 12:30 बजे ना, 1 बजे। हाँ 1 बजे आ गए थे और 5:30 टाइम हो गया। तो घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएगा हम लोगों को। तो अभी जो है फाइनली हम लोग सोसाइटी में पहुँच गए हैं। स्वीटी बाहर गई है वड़ा पाव लेने और अब यहाँ से अब हम तीनों अलग अलग जाएंगे। और इनसे मिलिए, ये है आरती जो कि मेहंदी क्लास में भी आती थी, आप लोगों ने देखा होगा, वर्षा दीदी की बेटी है। घर आए हम और देखिए आज भारत पाकिस्तान का मैच चालू है 3 बजे से। तो पप्पा जी बैठ के आराम से मैच देख रहे हैं। स्वीटी समोसे लेके आई है। समोसे लाया तूने सारा? हाँ। तो स्वीटी यहाँ पे समोसा खा रही है और मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। मैंने दिन में कढ़ी बनाई थी तो एक कढ़ी गरम करके मुझे खाना है कढ़ी चावल। और ये अब हम शाम को फिर से मार्केट में आए थे और मार्केट में देखे कितनी सुंदर सुंदर गणपति लगे हुए। गणपति आने वाला है तो बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ गणपति की थी। हेलो गाइस, तो अभी रात के बज चुके हैं 8 और अभी जो है मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं खाने में बना रही हूँ अंडा भुर्जी और रोटी। अंडा भुर्जी इन लोगों को खानी है, मैं तो नहीं खाती हूँ। मैंने तो सारा नॉन वेज अंडा A to Z छोड़ दिया है। देखो मैंने गुलाब जामुन जो है फ्रिज में रखे हुए थे तो एकदम ठंडे हुए हैं और मैंने अभी इनको गर्म करने रखा हुआ है। इनको पता ही नहीं है, इन लोगों ने एक बार भी गुलाब जामुन नहीं खाया घर में रहकर, तो एकदम शॉक हो रहा है। खोलते जा रहा हूं और वो दिख रहा नहीं हो। कैसे दिखेगा, ढक्कन लगा था ना उसमें। तो अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना पीना कब का खा लिया है, जिन जिनको खाना था। और अभी जो है सोने की तैयारी हो रही है। स्वीटी ने कल जाना है, कल सुबह चली जाएगी तो उसकी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। टीचर्स डे के लिए इनको स्कूल में कार्ड लेके जाना है। तो ये देखिए आरव ने ये कार्ड बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। अभी इनकम्प्लीट है, अभी कल कंप्लीट करेगा इसका। ये थोड़ा प्रेस कर लिया। नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे में 3D इफेक्ट आता है, उसमें बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो आज के मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।